नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में अजीबोगरीब सियासी दांव लगाए जा रहे हैं। अब तक राजनेता अपने शब्दों के तीखे बाण से विरोधियों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कभी मंदिर का मुद्दा रहता था तो कभी विकास का मुद्दा, कभी किसानों के ऋण माफी का मुद्दा रहता था तो कभी नोटबंदी का। लेकिन अब किसानों और विकास से दूर राजस्थान की राजनीति मच्छर तक आ पहुंची है। जी हाँ, आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा और शायद आप मच्छर की राजनीति पर मुस्कुरा भी दिए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे से पहले गहलोत ने कुछ इसी अंदाज में मोदी पर तंज कसा। गहलोत अपने ही अंदाज में मोदी पर बरसते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बार न तो विकास का मुद्दा बीच में आया और न ही किसानों का, बल्कि इन सब के बीच एक मच्छर बीच में आ गया। अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने एक कोट पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में सुलाना और तुमसे सच बुलवाना सचमुच असंभव है। नरेंद्र मोदी, गहलोत ने आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप भाषा नहीं बोलते। आरएसएस इस चुनाव में काफी रुचि ले रहा है, संघ को सत्ता का खून मुंह लग गया है। गहलोत ने पीसी में पत्रकारों को एक पर्चा भी बांटा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 41 सवाल पूछे हैं। इन सवालों में पूछा गया है कि बुलेट ट्रेन के कितने कोच तैयार हो गए हैं, अलगाववादियों को मिल रही सुविधा बंद कर दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री की जयपुर आने के बाद मोदी ने भी गहलोत पर जमकर सियासी तंज कसे। हालांकि मोदी मच्छर को बीच में नहीं लाए, बल्कि उनके बेटे को सियासी पिच पर जरूर ले गए। मोदी ने गहलोत पर तंज कसा और कहा कि जो अपने बेटे को नहीं बचा सकते, वे कांग्रेस को क्या बचा पाएंगे। इतना ही नहीं, मोदी ने गहलोत पर कर्ज माफी पर भी चटकारे लिए। मोदी ने गहलोत को वो बात याद दिलाई जिसको लेकर राहुल गांधी राजस्थान का सीएम बदलने वाले थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस कर्ज माफी न होने पर 10 दिन में सीएम बदलने वाली थी। उसका क्या हुआ? क्या ये कर्ज माफी वाला पोस्टर भी कांग्रेस ने 10 से 15 साल पहले छपवाया था? हर चुनावों में वो दावे ये पोस्टर अलग अलग राज्यों में चिपका देते हैं। ऐसे में मच्छर से हुई शुरुआत की सियासत फिर से किसानों पर आकर अटक गई। ऐसे में जीत हार किसी की भी हो, लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति में मच्छर से लेकर किसानों तक जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में ये तो 23 मई के बाद ही पता लग पाएगा कि राजस्थान का किला कौन जीत पाएगा, मोदी या फिर गहलोत। आज के इस डिजिटल दुनिया में हर कोई चाहता है यूट्यूब पर छाना, हर कोई चाहता है यूट्यूब पर अपनी बात बताना। लेकिन अगर आपके पास एंकर, स्टूडियो, एडिटिंग और दूसरे संसाधन नहीं है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस दे सकता है आपको सभी वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।